गर्मियों में कच्ची कैरी का शरबत पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कच्ची कैरी का शरबत कैसे बनाया जाता है, जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो पसंद आएगी तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कच्ची कैरी का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है आम। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा आम लिया है जिसको कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो आज मैं दो लोगों के लिए जूस बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा आम लिया है। कच्ची कैरी का शरबत जो है गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में बहुत ही हेल्प करता है, साथ ही यह लू से भी बचाता है। तो यहाँ पर मैं एक मिक्सचर जार लूँगी और इसमें हम आम डाल देंगे, साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 20 से 25 पुदीना के पत्ते। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गमले के पुदीना भी सूख रहे थे तो यहाँ पे हमने 20 से 25 पुदीना के पत्ते ले लिए। साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। कच्ची कैरी का शरबत शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एसिडिटी में भी आराम देता है और साथ ही साथ ये हमारे स्किन को भी क्लियर करता है। तो कच्ची कैरी का शरबत बहुत ही तरीके से फ़ायदेमंद होता है तो गर्मियों में आप इसे ज़रूर से पीजिए। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है और अभी मैंने लिया है एक बोल और बोल के ऊपर रखेंगे हम स्ट्रेनर और हम अच्छे से इसको छान लेंगे कि अगर इसमें आम के पीसेस हो तो वो स्ट्रेनर में ही रह जाए। तो यहाँ पे हम इसको चम्मच की सहायता से अच्छे से छान लेंगे, थोड़ा सा इसमें हम पानी और डाल देंगे। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप एक हफ्ते तक कर सकते हैं। गर्मियों में आप जब भी घर के बाहर से आए या फिर आपके घर कोई गेस्ट आए तो इस जूस को ज़रूर से पिलाइए, उनकी बॉडी हाइड्रेट हो जाएगी और वो अच्छा फील करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से छान लिया है और अभी हम इसमें मिला देंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर डालने से जो है ना पाचन अच्छा होता है तो ज़रूर से डालें और साथ में इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे मैं सफ़ेद नमक डाल रही हूँ, वैसे आप इसमें काला नमक डालिएगा, अभी मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैंने सफ़ेद नमक का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद हम इसमें मिठास के लिए डालेंगे एक चम्मच शहद। कुछ लोग चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं पर चीनी को आप स्किप करिए, आप शहद ही डालिए, वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। और इसको हम अच्छे से अब मिला देंगे। तो यहाँ पे अभी हम इस शरबत की कंसिस्टेंसी को बराबर करेंगे, अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें मैं अभी मिला दूँगी आधा ग्लास पानी। आधा ग्लास पहले मिलाया था मैंने जब जूस को छान रहे थे और अभी हम आधा ग्लास अभी मिला देंगे और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक अगर 19-20 हो, थोड़ा कम हो तो आप इसमें मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। तो यह हमारा हेल्दी और टेस्टी कच्ची कैरी का शरबत बनके तैयार हो गया है। तो ठंडा ठंडा आप इसको सर्व करिए। तो यहाँ पे मैंने ग्लास में डाल दिया है 2 बर्फ़ के टुकड़े और यहाँ पर डाल देंगे शरबत। तो फ्रेंड अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ इसे शेयर ज़रूर से करिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर हमने जूस को ग्लास में निकाल लिया है और इसको करेंगे थोड़ा सा डेकोरेट। यहाँ पर एक नींबू की स्लाइस लगा दी है, साथ में ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, यहाँ पर हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो फ्रेंड अगर आपको ये ठंडी हेल्दी और टेस्टी कच्ची कैरी के शरबत की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाबा विश्वनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे। हर हर महादेव। थैंक यू।